हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इमित राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था डीजीपे के बारे में, क्या कि उसमें जो 1500 रुपए की जो ऊपर के बैलेंस है वो अपने पे आउट कर सकते थे, जो बाकी का जो पे आउट है वो नहीं कर पाते थे। पहले क्या डीजीपे में सिस्टम था कि 100 रुपए रखकर बाकी आप जो पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे। अभी जो उसमें दो नए फीचर्स आ गए, एक तो IMT का जो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर का, ADMT यानी सॉरी मनी ट्रांसफर और इंस्टेंट पे का। तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, अभी 1500 के जो ऊपर का बैलेंस हम कर पा रहे हैं, बाकी का इसमें बता रहे हैं कि आपका अकाउंट इतना बैलेंस नहीं जो आप लेना चाहते हो। मैं दोस्तों इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अपना जो पे आउट है 100 रुपये छोड़ के बाकी का जो पैसे उसमें आप ट्रांसफर कर पाओगे। तो किस तरह से करेंगे वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप जितना भी पैसा जल्द से जल्द आपका निकाल लेना, पता नहीं क्या नहीं अपडेट वगैरह आ जाए डीजीपे के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ समय बर्बाद किए। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, रेड वाले बटन में क्लिक करके पास बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपका पैसा निकल जाए, पसंद आए वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं अपने डीजीपे के अंदर। तो दोस्तों हम यहाँ पे डीजीपे में आ चुके हैं। दोस्तों आप अपना बैलेंस दे सकते हो 1203 रुपए। तो चलिए दोस्तों पहले पे आउट करके देख लेते हैं कि हो पाता है नहीं, अगर इसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ये पे आउट हो जाएगा हमारा, यानी कि 1100 रुपए। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, और यहाँ पे अपना जो CC ID वो यहाँ पे डाल देते हैं, फिर अमाउंट हम 1100 रुपए डाल लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे फिर IMPS करते हैं। तो चलिए हम फिंगर स्कैन पे जाएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे। अगर दोस्तों सही हो गया तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं दूसरा आपको ट्रिक बताऊंगा किस तरह आप अपना पे आउट यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये बता रहा है कि इंस्टेंट बैलेंस इज अंडर प्रोसेस ट्रांजेक्शन, आपका बैलेंस इतना नहीं है जो आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों आपको ये ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ट्रिक आप जल्द से जल्द यूज कर लेना। यहाँ पे 1203 रुपए था, 1100 रुपए यहाँ पे करने वाले। अगर दोस्तों यहाँ पे 1100 रुपए, चलिए हम ट्राई करके देख ले, 1100 नहीं तो फिर हमें दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपए करना पड़ेगा, तब जाके हम ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हम दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख रहे आपको मनी ट्रांसफर, दोस्तों इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मनी ट्रांसफर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एड रिमाइंडर पे आपको क्लिक कर देना है, और आपका जो मोबाइल नंबर है, नेम है, मेल फीमेल जो भी आपको ये भरना डिटेल, आपको फिर जनरेट ओटीपी क्लिक कर देना। आपके एक मैसेज आएगा ओटीपी, ओटीपी जाने के बाद दोस्तों आप रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। फिर आपको दोस्तों रिमाइंडर लिस्ट पे आपको आना है, रिमाइंडर लिस्ट पे आओगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट वगैरह सब यहाँ पे डिटेल होगा। फिर दोस्तों आप क्या करना, लास्ट वाले पे आना है, रिमाइंडर लॉगिन, आपको जिस मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे ऐड रिमाइंडर किया था यानी आपने जो डाले थे नाम वगैरह उसको यहाँ पे सिंपली लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम चलिए अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं उसको लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। फिर जनरेट ओटीपी हम क्लिक करेंगे, जैसे हम जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपने जो रजिस्टर मोबाइल किया था जो IMT के लिए यानी मनी ट्रांसफर के लिए, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ पे कर सकते हो अपना मोबाइल नंबर बैंकिंग ऐड करके। तो चलिए वहां पे ओटीपी आएगा, हम ओटीपी इस पे डाल लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तब जाके आप अपना पैसा निकाल पाओगे दोस्तों, नहीं तो आप ये पैसा निकाल नहीं पाओगे। चलिए दोस्तों वेट कर लेते हैं ओटीपी का। चलिए दोस्तों हमारे पास ओटीपी आ चुकी है, हम ओटीपी डाल लें। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी हम क्लिक करेंगे तो रिमाइंडर लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। जैसे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एड पे का ऑप्शन आएगा, व्यू पे का आएगा, मनी ट्रांसफर, व्यू ट्रांसफर, तो हम एड पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे यूपे पे भी कर सकते हो, आपने जो पिछली बार जो आपके यहाँ पे दोस्तों आप जैसे लॉग इन करो, आपको हम सिंपली क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और फिर नेम ऑफ अकाउंट जो आपके अकाउंट नाम है, और फिर आपको स्टेट अपना ले लेना है, और फिर दोस्तों आपको IFSC कोड डाल के वैलिडेट पे क्लिक करना है, फिर आपका जो अकाउंट नंबर री अकाउंट करके इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। जनरेट ओटीपी क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाले होंगे ऊपर में यहाँ पे उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको व्यू पे करोगे तो आपको डिटेल दिख जाएगी, आपने जो बेनिफिशियरी लिस्ट आपने ऐड की है जिस अकाउंट आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है उसकी यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये ट्रिक मैंने अभी यूज की थी, पहले तो मेरा 1000 रुपए ट्रांसफर हो चुका था, फिर से आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो आप सक्सेसफुली अपना पेमेंट ट्रांसफर कर चुके हो तो यानी कर लोगे तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना है ऑल पे। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये कुछ अंडर प्रोसेसिंग वेट है, तो आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी आपको दिख जाएगा। फिर मनी ट्रांसफर में क्लिक करेंगे तो आपको बेनिफिशियरी जो भी है दोस्तों यहाँ पे बेनिफिशियरी आपको यहाँ पे ले लेना है। तो चलिए हम बेनिफिशियरी को ले लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर अमाउंट, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मेरा जो 1200 रुपये कुछ है तो हम यहाँ पे चलिए 1300 कुछ हम यहाँ पे 1200 करने वाले, देखते हैं 1200 ट्रांसफर होता है नहीं, बता हम क्लिक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बैलेंस आपका इतना है नहीं, तो चलिए दोस्तों हम फिर से यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे 1000 रुपये लगा के ट्राई करेंगे, या 1050 रुपये करेंगे। देखिए दोस्तों 1050 करेंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, तो चलिए दोस्तों हम फिर से ट्राई करेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपये लगा के देखते हैं हम, तब दोस्तों तो
सर्वर अभी दोस्तों काम नहीं कर रहा, चलिए फिर से हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों हम फिर से यहाँ पे 1000 रुपये डालने वाले हैं, देखिए ट्राई करते हैं 1000 रुपये हो पाता है नहीं। या तो फिर से दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटीज ओटीपी नॉट जनरेटेड का ऑप्शन आ गया, तो चलिए फिर से फिंगर जो हमारा ये सही नहीं लगा इस पे फिर से डाल लेते हैं इस पे, और फिर से ट्राई करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम मनी ट्रांसफर पे। कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, मैंने पहले का तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से हम ट्राई करते हैं। चलो बेनिफिट से ले लेते हैं हम दोस्तों यहाँ पे 1080 रुपये ट्रांसफर करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों 1080 करेंगे क्योंकि 1203 रुपये कुछ थे हमारे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे मैसेज रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपने मोबाइल नंबर डाले थे वहाँ पे एक ओटीपी चला गया, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए दोस्तों हम ओटीपी यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने ओटीपी डाली, वैलिडेट ओटीपी आपको क्लिक कर देना, तो फिर यहाँ पे प्लीज वेट का आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, आपने जो बैंक डाले थे उसमें कुछ चार्जेस कटेंगे, पे आउट से अच्छा दोस्तों इसे आप निकाल सकते हैं। अगर कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है डीजीपी के द्वारा कि आपको इतने 1500 रुपये कुछ वगैरह तो रखना पड़ेगा, तो आपका जो पैसा यहाँ पे फंस सकते हैं, तो इसलिए आपको जल्द से जल्द अपना पैसा निकाल लेना है जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है सीएससी के द्वारा, या तो आप वेट आपको करते रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे 1080 रुपये ट्रांसफर हो चुके हैं, हमारा अकाउंट सक्सेसफुली हो चुके हैं। यहाँ पे मैं स्टेटस भी आपको दिखा दूंगा और मेरे पास मैसेज भी आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो को हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं, दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना तभी जाके आप इसमें पूरा समझ पाओगे, और दोस्तों जल्द से जल्द आप यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सामने कंटिन्यू रखता जब तक वीडियो लंबा हो जाता है, नहीं आप बोलोगे पहुंच करके आपने ये वो दिखा दिया। तो मैं दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा मैसेज भी रिसीव हो चुका है, और आपको यहाँ पे मैं पासबुक में जाके स्टेटस भी चेक करवा दूंगा। दोस्तों अभी आपने इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, अगर आपका पैसा आपके डीजीपे से निकल गया आपका अकाउंट जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम जो पे आउट करते हैं वो 1500 के जो ऊपर का पे आउट है वो कर पाते हैं, बाकी का जो नहीं कर पाते। पहले क्या डीजीपे में सिस्टम था कि 100 रुपये रख के बाकी का पैसा आप पे आउट कर पाते थे, लेकिन अभी मैंने क्या ये ट्रिक लगाया, मैंने ट्रांसफर करके देखा तो मेरा पैसा ट्रांसफर इंस्टेंटली हो चुका था। तो ये बेटर आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ट्रांसफर कर लो आपके पैसा जल्द से जल्द। तो यहाँ पे दोस्तों डीएमटी ट्रांसफर सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे स्टेटस सक्सेसफुली बता रहा है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे पासबुक सेक्शन में जाएंगे, इसको यहाँ पे लॉग आउट करेंगे। दोस्तों जैसे हम दोस्तों पासबुक सेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पे आउट है वो सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पहले मैंने 1000 रुपये आपको दिखाने के लिए किए थे, पहले जो दोस्तों मैंने ट्रांसफर किए थे 1300 रुपये किए थे, वहां पे मेरे को 6 रुपये 52 पैसे कटे, फिर 1000 रुपये मैंने विड्रॉल किए थे तो 1203 रुपये हो चुके, मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद दोस्तों मैंने 1080 रुपये किए, तो यहाँ पे 1085 रुपये कटे, अभी 1 रुपया 17 सॉरी दोस्तों 117 रुपये 60 पैसे मेरे अकाउंट में है यहाँ पे, 117 रुपये 60 पैसे। ये देखो दोस्तों इस तरह से आप अपना पे आउट को ट्रांसफर कर सकते हो। उम्मीद करूंगा ये आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए जय जय भारत।